ఒలింపిక్స్ లా పాల్గొనే భారత అథ్లెటిక్స్ బృందం తోటి భారతదేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సారు ఇయాల సమావేశం ఏర్పాటు చేసిండుల్ల. మరి ఆ సమావేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు వాళ్ళందరితోటి కూసోని ఏం మాట్లాడిండు, ఏమన్నాడో ఒకసారి మనమే విందాం పాలి. खेल जगत से जुड़े हमारे देश के जो सितारे हैं उनसे मिलता रहूं, नई चीज़ें जानता रहूं, उनके प्रयासों को समझता रहूं, और सरकार के नाते अगर व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना है, कुछ प्रयास बढ़ाने हैं तो इस दिशा में कुछ काम करता रहूं. और मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करूं ताकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है. खेल का एक स्वभाव होता है जी, हर विद्यार्थी का जैसे रहता है, और शायद कोई और चीज़ हमें जितना नुकसान नहीं करती है उससे ज़्यादा नींद का अभाव नुकसान करती है. और आपको आश्चर्य होगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हमको सोने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं आपसे आग्रह से कहूंगा अच्छी नींद बहुत जरूरी है खेल जगत के लिए, किसी भी जीवन के हर चीज के लिए. और आजकल तो मेडिकल साइंस भी नींद पर बहुत बल दे रहा है कि आपकी नींद कितने समय की है, कितनी साउंड स्लीप है, इसका बड़ा महत्व माना जाता है. ये चौथा ओलंपिक है मेरा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और ये काफ़ी एक्सपीरियंस है तो मैं उस एक्सपीरियंस को चाहूँगी कि उस एक्सपीरियंस को यूज़ करूँ और उसी जोश और उसी कॉन्फिडेंट के साथ रिप्रेजेंट करूँ और अपना 200% दूँ. थैंक यू. अच्छा, आप जो यहाँ नए खिलाड़ी पहली बार जा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देगी, जो पहली बार जा रहे हैं इस टीम में? सर, मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बट मैं उनको बोलूँगी कि उस चकाचौंध में वो ना घुसे, जितना हो सके वो खुद पे फोकस करे और इन्जॉय करे, पर पूरे फोकस के साथ, पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ. और मैं ये बोलूँगी कि मेडल जीतना है उसके पीछे ना भागे, वो परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे ताकि मेडल उनके पास आए.